क्यों रही हो? ओह, तुम? हाँ, कहो माल लाई हो? नहीं, आज हम डिलीवरी नहीं दे सकते, कल देंगे। बॉस ने यही खबर देने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये रहा माल का नमूना। ओके, लेकिन डाली, अब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है और कल माल जरूर जरूर मिलना चाहिए। डाली, घबराओ नहीं, कल हमारे आदमी यहाँ साधु के भेष में आएंगे और माल भी उन्हीं के पास होगा। ओके ओके, नाउ सी यू अगेन। ओके, इंस्पेक्टर रघुनाथ, क्या हुआ? सर, इधर शहर में कुछ गैर कानूनी माल की डिलीवरी लेने के लिए आया है। ऐसी? कल सवेरे पोर्टुगली किले के खंडर में कुछ लोग साधु के भेष में माल लेकर आएंगे। ओके ओके रघुनाथ,
बाकी बातें बाद में होंगी। पोटे मिंटू दाजी हरे आप कमान हरे आप हॉस्पिटल ले चलो। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हथियार भी उसी फैक्ट्री का बना हुआ है जो गैर कानून हथियार बनाते हैं। मिस्टर दलवी, इन हथियारों के साथ पकड़े गए मुजरिमों से आप ये पता कीजिए कि ये फैक्ट्री कहां पर है और इसका मालिक कौन है। सर, उन मुजरिमों ने तो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली कैसे? भेद खुल जाने के डर से उन्होंने रास्ते में ही जहरीले कैप्सूल खा लिए। इसका मतलब यह हुआ कि असली मुजरिम फिर हमारे हाथ से निकल गया। पिछली मरतबा जो आदमी गिरफ्तार किया गया था उसे पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई थी। यस सर। ऐसे मुजरिम देश समाज और कानून के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आजकल ये जो आए दिन चोरी डकैती और खून हो रहे हैं ये सब इन्हीं गैर कानूनी हथियारों की देन है। जब तक ये कारखाने चलते रहेंगे चंबल की घाटियों में गोलियों की आवाजें गूंजती रहेंगी। मैं इस केस को CBI के सपोर्ट करना चाहता हूँ जी। हाँ, उस मुजरिम को पकड़ना ही होगा कानून की नजरों में छुपा बैठा है। क्या बात है? बॉस, मैं रोसी बोल रही हूँ, एक बहुत जरूरी खबर है। ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या बात है रोजी? बॉस, सुपरवाइजर ने अभी इसी वक्त फैक्ट्री में बुलाया है। क्या बात है चंदन? परसों हम 2000 पिस्तौलों की डिलीवरी नहीं दे सकते। क्यों? प्रोडक्शन बंद है, माल बनाने के लिए हमारे पास स्पेशल स्टील नहीं है और कच्चे माल का बगैर। क्या भगते हो? धर्मचंदन कंपनी ने माल सप्लाई करना बंद कर दिया क्या? मैं वहीं से आ रहा हूँ बॉस। पता चला है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से धर्मचंदन कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है और अब वो स्पेशल स्टील सप्लाई नहीं कर सकते। लाइसेंस कैंसिल हो गया? यस बॉस, लाइसेंस अब सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन फैक्ट्रियों में स्पेशल स्टील इस्तेमाल किया जाता है। बॉस, अगर आप हुक्म दे तो ऑर्डिनरी स्टील इस्तेमाल किया जाए। नहीं चंदन, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी की सख्त जरूरत है। मैं ऑर्डिनरी स्टील कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। सोचो, अगर हमारे पिस्तौल की नली फट जाए या गोली चलाने वाला खुद मर जाए तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? लोग हमारा माल क्यों खरीदते हैं? तो फिर क्या फैक्ट्री बंद? शट अप। हम इस फैक्ट्री से लोहे के पिस्तौल बनाकर सोने का दाम लेते हैं। यह फैक्ट्री में कभी बंद नहीं होने दूंगा। चंदन। यस बॉस। जहां से भी हो सके, जिस तरह भी हो सके, स्पेशल स्टील खरीद लाओ। यस बॉस। क्या बीड़ी का नाम रखा है? हीरो के नाम के जैसा लगता है, कबीर बीड़ी। ए भाई, क्या है? पेटी है क्या? माचिस की पेटी देखता हूं। नहीं है। नहीं, नहीं। जरा देना, बीड़ी जला। साला कमाल है, सिगरेट लेके बीड़ी दे गया मुझे। ए भाई, ए भाई, ए भाई, भाई, अरे रोक, ए
पूरे 1200 रुपए हैं गफूर भाई, हमारी ईद और दिवाली आराम से गुजर जाएगी। नूर 50 रुपए हनुमान को ज्यादा दे देना, पर्स मार के चलती ट्रेन से कूद पड़ा था। शाबाश मेरे शेर, जाओ आज तुम भी ऐश करो। हाजी मलंग दुल्हा, जन्नत में तेरा झूला, आई बंबई में पहली बार देता हूँ समाचार। अगर छोकरी निकले खोटी तो घर का काम करा के पका ले उससे रोटी। 5 रुपये का 10 रुपया बना ले, 10 का 20 बना ले और 50 का 100 बना ले। ओ टोपी वाले, कहाँ से बोल रहे रे? पीछे से। सामने आके बोल, मैं पठान हूँ। अभी अभी आप कह रहे थे 5 का 10, 10 का 20 और 50 का हो तो 50 का 100। हाथ कंगन को आरसी किया, जो उर्दू पढ़े उसके लिए फारसी किया। मनखूब में शनासम पीरा ने पार सारा दरिया दिखाए, मीठा पानी पिलाए खारा बोलिए क्या है। 10 का। अब बोल। 20 का। दूसरा देख, दूसरा भी देख ले। बोल बोल, ये कितने का है? 50 का। अभी बोल। 100 का। बोलिया साहब, हमारे किस्मत की खिड़की भी खोल दीजिए। लो ये 1200, इसके 2400 बना दीजिए। मैं अभी तो सबकी खोल देता हूँ। अरे कहाँ गया? अरे पठान, छुपा दिया ना अपना डंडा मेरे को। खुदे तुम अंधा है, किधर घुसता है? खुदे देखता नहीं है, सिर्फ धन लोग के वास्ते है। ओ पठान, ओ खुदे तुम काबुल का पठान है तो हम हिंदुस्तान का पठान है। अच्छा। वो हमारा औरत 3 पांव अंदर है। उसको जाके तुम बोलो कि उसका शोर हांगकांग बाहर खड़ा है। अच्छा। और ये लो, ये बख्शिश लो हमारा पास। ला भाई ला, ला, ला। हम लखपति आदमी है। ला भाई ला, ये 5 रुपया आने जाने का किराया। अच्छा भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो भी रहता है वो, तुम लगना थी क्यों? कुछ भाई हमारा पैर में चोट लग गया। तुम एक काम करो। हाँ। कुछ तुम इधर ही ठहरो। अच्छा। हम जाके तुम्हारा औरत से मिल के आती। आ जाओ। भाई बात सुनो, हमारा औरत को नहीं, अपना औरत को मिल गया। हमारा औरत को मिल गया। कैसे बोलती है? और औरत को मिलता है? और जो किधर जाता है, गली का मुसाफिर खाना नहीं है। होते तुम देखता नहीं है, ये सिर्फ जनान लोग के वास्ते है। जनान लोग के वास्ते? हाँ। होते तुम इधर से जाएगा कि नहीं जाएगा? है जाता है। हमारा साहब इधर से आया और गया कि क्या किया? मैडम, आपका साहब हांगकांग इधर से आके चला गया। ओह माय गॉड। मेरे पास तो टैक्सी का किराया भी नहीं है। पठान, क्या तुम मेरे को 10 रुपये उधार देगा? और मैडम, मैं तुमको 10 रुपये के ऊपर 1 रुपया छू, 1 रुपये सूद देगा। और मैडम, हमको सूद वो कुछ नहीं चाहिए। खोचे वास, तुम खुदा के वास्ते उठो, 10 रुपये लो, 10 रुपये लो, उठो। यंग बॉय, क्या तुम मेरे वास्ते एक टैक्सी लाएगा? टैक्सी मिल जाएगा। थैंक यू। खोचे मैडम है कि किंग कांग है? कुछ हमारा टांग भी तोड़ दिया। आयो, क्या मर्दाना औरत है? हाय 16 16। फिर कहाँ जाना है आपको? हाँ स्वीट ऑफ यू, तुम हमको लीव देने मांगते हैं। बैठो बैठो, बैठो। मर गई। स्वीट, तुम शादी बनाया? नहीं नहीं बनाया। नहीं, मैं भी शादी बनाने वाला है। किधर? मेरा जो पति है ना, वो नेवी में
कर्नल है। क्या? आई मीन उसका रिवॉल्वर बहुत बड़ा है, मेरे को बहुत डर लगता है। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? रिवॉल्वर नहीं, बंदूक है, बंदूक। आगे मैडम को बंदूक दिखाना जरा। तुम किससे बात करते हैं मैम? तुम्हारे जीप के अंदर में बहुत खटमल लोग है। मैडम ज्यादा बात मत करो, हाथ निकालो। अरे क्या देखते हो पहलवान, ये सुलेमानी नुस्खा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन। मोहन, मोहन मुरली वाले। अरे तुमने तो सबकी मुरली बजा दी, साले सब भाग गए। ये कौन है? मेरी बहन राधा। आज से ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, अपनी भी बहन है। धन्यवाद, मगर आपने अपना नाम नहीं बताया। अरे अपना नाम है गुरु सुलेमान। गुरु सुलेमान? अखाड़ा चलाते हो? अखाड़ा? अरे अपने तो अखाड़े चलते अखाड़े। फिर मुझे भी अपना शगत बना लीजिए। तो जोर से बोलो गुरु सुलेमान। गुरु सुलेमान। अरे मेरा चेला पहलवान। आज से अपन दोनों दोस्त, मैं तुमको अपने घर ले चलता हूँ गोद में उठा के। फिर कभी उठाऊंगा। क्यों पहलवान, कैसा लगा अपना कबाड़ खाना? अरे गुरु, आपसे कबाड़ खाना कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी जगह है। अरे यार। अच्छा भैया, मैं खाना बना के। अरे नहीं, आज तो तुम गुरु सुलेमान के मेहमान लोग, खाना मेरे तरफ से है। अरे गोल्डन, ए गोल्डन। अभी तू खाली है ना, अभी मेरी बात सुन। वो चालू दिल्ली दरबार पे जा और जाके वो चोटी को बुला के लेकर आ, मोहन चोटी को। जा, मोटा है ना। गुरु बड़ा समझदार कुत्ता है। अरे पहलवान, आजकल के जमाने में इंसानों से ज्यादा ये जानवर लोग समझदार है।
जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो दरवाजा खुला रख के जाता हूँ। क्या मजा ले जो कोई चिड़िया भी अंदर घुस के आ जाए। जब मैं लंदन गया था वहाँ इसको खरीदा था, तब ये छोटा सा पिल्ला था। आप लंदन गए थे? लंदन, पेरिस, अमेरिका, होनोलुलु, जापान, ये सब जगह जा चुका हूँ। अच्छा। और वहाँ जाके बैंड बजाता था। आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे भी बैंड बजाता हूँ, लेकिन कभी कभी नाटक में भी एक्टिंग करता हूँ। अच्छा। कभी मर्द की भूमिका करता हूँ, कभी औरत की भूमिका करता हूँ, कभी हाजी खूब पहचाना। हाँ है, खूब पहचाना। कौन सी भूमिका है ये? बड़ी भारी भूमिका है। अगर सारे देश में ये लोग पैदा हो जाए ना, तो देश में जो फैमिली प्लानिंग है उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ये दरमियानी लोग हैं, समझे? अरे छोटी, अगर किसी ने इतना मेरी लुंगी फाड़ दी ना, तो मैं तुम्हारे से सिलाऊंगा। पहले ये बोल, तेरे होटल में खाने को क्या है? चिकन मसाला, चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी, चिकन चाप, चिकन चोचो, चिकन, एक बार फिर से और बात, मटन है, कीमा है, चाप है, चिकन है, कलेजी है, कोफ्ता है, गुर्दे है, और कपूरे है, और अतली फ्राई है। अबे ये खा खा के अपना पेट सड़ गया है, कोई दूसरी चीज है कि नहीं? और मेरी खोपड़ी है। हाँ तो तू एक काम कर, तू तेरी खोपड़ी को काट, उसमें से भेजा निकाल और 3 प्लेट भेजा फ्राई करके लेगा। दादा तुम्हारी मजाक करने की आदत जाती नहीं। अरे मैं 2 प्लेट सब्जी और 2 प्लेट दाल के 3-3 प्लेट बना के लेके आता हूँ, चपाती, चावल और कुचुम्बर लेके आता हूँ। तुम्हारा फायदा और वो सेठ साले का नुकसान। लेकिन कुत्ता मत भेजना बाप। अबे कुत्ते के पास कुत्ता कौन भेजेगा? हाँ तो पहलवान तुम बंबई कैसे आए यार? गुरु शहर में लोग क्यों आते हैं? रोटी कमाने के लिए। लेकिन यार शहर में तो बहुत चालू लोग रहते हैं, 420 लोग रहते हैं, दारू का धंधा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, छोकरियों के पीछे भागते हैं, सब बुरे काम करते हैं। शहर में पुलिस नहीं है क्या? यहाँ तो पो भी है, लिस भी है, लेकिन पुलिस के साथ में हम लोगों को भी तो देश की सेवा करनी चाहिए ना। हाँ, वो तो है। तो लोगों का 420 लोगों का पोल खुलना चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। लो, आहा, पहले ये। क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो डार्लिंग। कहो तो तुम्हारी परेशानी कुछ कम कर दूं। ये तुम्हारे बस का काम नहीं डार्लिंग, मुझे सोचने दो। मेहरबानी करके तुम खामोश रहो। तुम्हारी मर्जी। वैसे स्पेशल स्टील तुम्हें कहाँ मिल सकता है, इसका पता मैं ही दे सकती हूँ। रियली? बताओ स्पेशल स्टील का कोटा किसके पास है? कपूर इंडस्ट्रीज के पास, लेकिन उसकी मालकिन बहुत सख्त है, वो गैर कानूनी ढंग से स्टील तुम्हें कभी नहीं बेचेगी। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि वो मेरी क्लासमेट थी और मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम है। वेरी गुड, तुम सूरज का नाम और पता बता दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। देखना, संभालते संभालते कहीं खुद ना फिसल जाना। वैसे लड़की बहुत गजब की है डॉली। ओके बॉस, ओके। उस लड़की का नाम है शालिनी कपूर और उसका पता है। मालिनी? ये दीदी कहाँ जा रही है? शीला के यहाँ दीदी। लेकिन कल तो तू शीला को जयपुर के लिए सी ऑफ करने गई थी। सॉरी दीदी, शीला नहीं, सुशीला के यहाँ जा रही थी। मिस्टेक हो गया दीदी, मेरी जुबान फिसल गई। मुझे तो डर है कहीं तेरे पैर ही न फिसल जाए, अब तू बड़ी हो गई है। तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है दीदी? मेम साहब, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? मैं हूँ अमीरचंद। अमीरचंद, माफ कीजिए, ये समय मेरा ऑफिस जाने का है। आई नो दैट, लेकिन अपनी तो घर की बात है, इसलिए मैं खुद चला आया हूँ। कैन आई सिट? बैठिए। लो भाई, मैं बैठ गए। टेल मी वन थिंग, तुम दोनों में से शालिनी कौन है और मालिनी कौन है? शालिनी मैं हूँ और ये मालिनी है। मालिनी,
तुम जा सकती हो। थैंक यू दीदी, बाय अंकल। बाय। मजा आ गया। कितना अच्छा लगता है जब कोई अंकल कहकर बुलाता है। खैर छोड़े बात, तुम्हारी फैक्ट्री, मेरा मतलब तुम्हारी फैक्ट्री की क्या कीमत है? क्या मतलब आपका? मतलब तुम्हारी भलाई का है। दरअसल तुम्हारे पिता हरदयाल कपूर मेरे जिगरी दोस्त थे। मैं नहीं चाहता उनकी फूल सी नाजुक लड़कियां सारी जिंदगी मशीनों के साथ मशीन की तरह काम करें। दरअसल ये काम हम मर्दों का है। कहो क्या कीमत लोगी? ये तो घर की बात है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए ज्यादा दूंगा। मैं अपने पिताजी की निशानी को किसी कीमत पर नहीं बेच सकती। आप जा सकते हैं। बहुत ऊंचे विचार है, लेकिन आई टेल यू, ऊंचे विचार वाले लोगों को अक्सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और पछताना भी पड़ता है। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो, निकल जाओ यहां से। मुझे बाहर निकालकर अपनी मुसीबतों को अंदर बुला रही हो। याद रखो, मैं ये फैक्ट्री खरीद कर रहूंगा। हंस क्यों रही हो डाली? जिस आदमी के सामने बड़े बड़े मर्द थर्राते हैं, उस बब्बर शेर दीवान सिंह को एक औरत ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और जनाबे की मोमबत्ती छिले जा रहे हैं। तुम मेरे कटे पर नमक छिड़क रही हो? नमक नहीं छिड़क रही, अर्ज कर रही हूँ हुजूर, ये मोमबत्ती छिलना बंद कीजिए और कपूर इंडस्ट्रीज को भूल जाइए। हरगिज नहीं। जब तक मैं कपूर इंडस्ट्री का मालिक बनकर शालिनी कपूर का गुरूर चूर चूर न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। तो फिर हुजूर, आप आराम से ले जाइए। डॉली, मजाक बंद करो। मजाक नहीं कर रही किबला, सच कह रही हूँ। शालिनी को मुट्ठी में लेने की तरकीब मैंने सोच ली है। डॉली, अगर शालिनी मेरी मुट्ठी में आ जाए तो कपूर इंडस्ट्री की मालकन मैं तुम्हें बना दूंगा। सुन 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 रे दिल पहलवान, बोलो जिगर सुलेमान। सुन रे दिल पहलवान, बोलो जिगर सुलेमान। दौलत के हाथों में नाचे दीन धर्म ईमान, न बोले मंदिर का भगवान, न सोचे मस्जिद का रहमान। समझ दिल पहलवान, बोल गुर सुलेमान। समझ दिल पहलवान, जगर सुलेमान। चेले, ये जो लाला है गड़बड़ घोटाला है। पिछवाड़े दारू का धंधा है, मस्जिद के साए में जुए का चंदा है। नेता के भाषण में सारी हरियाली है, प्यारे ये पेट मगर सदियों से खाली है। अरे टेढ़ी है ये सीधी नहीं, दुनिया को तो पहचान। समझ चल पहलवान, जिगर सुलेमान। दौलत के हाथों में नाचे दीन धर्म ईमान, न बोले मंदिर का भगवान, न सोचे मस्जिद का रहमान। समझ चल पहलवान।
रसूले मामा ममान। ए गुरु, अरे ये जो जमाना है पागल खाना है। चेहरा झूठा है, हर दिल में काला है, अंदर अंधेरा है, बाहर उजाला है। हद नंगे बच्चों को रोटी ना पानी है, बूढ़े की बाहों में लेकिन जवानी है। मेरी दुआ मेरा भजन, नकली को असली न जान, संत दिल पहलवान। समझे गुरु सुलेमान, दौलत के हाथों में नाचे दीन धर्म ईमान। न बोले मंदिर का भगवान, न सोचे मस्जिद का रहमान, संत चल पहलवान। समझे गुरु सुलेमान, समझे चल पहलवान, समझे गुरु सुलेमान। तो तुम उस लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मानसिंह, हम लोग कानून के मुजरिम हैं। हमारे लिए शादी और ब्याह उनकी एक ऐसी हथकड़ी है जिसे पहनकर इंसान बुजदिल हो जाता है और उसका खून ठंडा हो जाता है। मैं तुम्हारा प्यार खरीदना चाहता हूं। जी बोलो, क्या कीमत है? 10,000, 15,000, 25,000, 50,000? 50,000? आप मजाक तो नहीं कर रहे बॉस? जस्ट ए मिनट, मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, अपनी मर्जी से जितनी चाहे रकम भर लो। क्या लिखा? अपना नाम। वो तो दिल में कब का लिखा जाता है? मुझे तो एतबार नहीं। चीर कर देख लो। चीर कर देखने से सिर्फ दो बूंद खून की निकलेगी और उन्हीं दो बूंद से आवाज आएगी, मारने वाले। नहीं नहीं, शादी से पहले बहुत आगे बढ़ना अच्छा नहीं। ये सब शादी तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं माले, और विदेश में तो सब कुछ हो जाने के बाद शादी होती है। ये विदेश नहीं, हिंदुस्तान है। यहाँ लड़की लड़के का एक दूसरे से मिलना भी घर वाले पाप समझते हैं। बोलो, बारात लेकर कब आओगे? बारात लाना है? ऐसी भी क्या जल्दी है माले? जल्दी है तभी तो कह रही हूँ। तुम नहीं जानते, औरत की जिंदगी दूध की तरह होती है, जिसको एक जरा से नमक की डली भी बेकार कर देती है। तो फिर ठीक है, कल ही माताजी को टेलीग्राम की देता हूँ, उनके आते ही शहनाई बजवा दूंगा। अब तो खुश हो? मान जी। वो पूनम की सालगिरह थी, वही देर हो गई। झूठ बोलकर मुझे बनाने की कोशिश मत कर मालिनी, पूनम ने खुद तेरे लिए फोन किया था। सच सच बता, कहाँ गई थी? जी वो मैं मानसिंह के साथ थी। मानसिंह? ये मानसिंह कौन है? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। आजकल लोगों ने मोहब्बत को व्यापार बना लिया है,
वो झूठे सब्जबाग दिखाकर अमीर घर की लड़कियों को फंसाते हैं, अपनी हवस पूरी करते हैं और फिर ब्लैकमेल शुरू करते हैं। मैम नहीं दीदी, अभी अभी एक आदमी ये पैकेट देकर गया। क्या है दीदी, किसकी चिट्ठी है? वही मान सिंह जिसकी तू अभी तारीफ कर रही थी, ये उसी की शराफत का सर्टिफिकेट है। सुन शालिनी देवी, अपना भला चाहती हो तो फैक्ट्री अमितचंद सेठ को बेच दो, वरना ये तस्वीरें अखबार में छपना शुरू हो जाएगी। तुम्हारा शुभचिंतक। ले अब तू ही बता मैं क्या करूं, मैं पुलिस में भी तो नहीं जा सकती, अब क्या होगा? सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये हुस्न वाले बड़े बेईमान होते हैं, ये हुस्न वाले बड़े बेईमान होते हैं, हजारों मरते हैं जब के जवान होते हैं, ये हुस्न वाले बड़े बेईमान होते हैं, हजारों मरते हैं जब ये जवान होते हैं, ये हुस्न वाले बड़े बेईमान होते हैं। छुप नहीं सकती है लब पर आ जाती है, ये गुंबद की सदा है, ये गुंबद की सदा है, लौट कर टकरा ही जाती है। ये नौजवान बड़े बेईमान होते हैं, ये नौजवान बड़े बेईमान होते हैं, जवानी लूटने को मेहरबान होते हैं, ये नौजवान बड़े बेईमान होते हैं, जवानी लूटने को मेहरबान होते हैं, ये नौजवान बड़े बेईमान होते हैं। बन के तीर निशाना हमें बनाते हैं, कभी तो रात में छुप छुप के मिलने आते हैं, कभी ये धमकियां देकर नजर बचाते हैं, कोई न समझा कोई न जाना इनकी अदाएं इनका फसाना, कल में बना दे दिल को दीवाना कल में करे इनकार, कभी बाहों में सिमट के कभी शर्मा के लिपट के कभी सांसों में उतर के और कभी सिसकियां भर के खींच लेते हैं ये दामन, दिल के बन जाते हैं दुश्मन, ये बन के तीर निशाना हमें बनाते हैं, जो तीर हम बने फिर ये कमान होते हैं, ये हुस्न वाले बड़े बेईमान होते हैं, ये हुस्न वाले बड़े बेईमान होते हैं, हजारों मरते हैं जब ये जवान होते हैं, ये हुस्न वाले बड़े बेईमान होते हैं।
जिस्म जान का रिश्ता है क्या कहें तुमसे तुम्हें बताओ कि फिर दूर क्यों रहे तुमसे हम हैं सूरज तुम हो चंदा हमसे तुम हो तुमसे हम हैं तुम बादा हो हम भी खत्म है फिर कैसी तकरार संसार निधनी संसार निधनी दबा दबा तमापा पन पगर सर सर सनिधा सनिधा पा सनिधा बना गनी सा फूल हम हैं तुम हो खुशबू हम हैं पायल कैसे हम हैं तुम हो लैला पीर हम हैं तुम हो राधा दर्द हम हैं तुम मसीहा तुम हो जलवा हम हैं पर्दा जलवा पर्दा जलवा जलवा पर्दा 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 मालिनी तुम शुक्र है तुमने मुझे पहचान कर लिया मेरी चिट्ठी मिली हाँ तो फिर यहाँ क्यों आई अपना हिसाब बंद कर हिसाब तो कब का बराबर हो चुका दोनों के दिलों में आग लगी हुई थी मैंने तुम्हारी बुझा दी और तुमने कमीने पड़ेगी अमीर जग का ऐसा समझा है जो रोटी के टुकड़े के लिए किसी को भी काट सकता है मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं मैं अपनी इज्जत का बदला तेरे खून से चुकाऊंगी चलो वरना ये तस्वीरें अखबार में छपना शुरू हो जाएगी तुम्हारा शुभचिंतक मैनेजर से कह देना मैं घर जा रही हूं मालिनी दीदी मैंने आपकी बात नहीं मानी और धोखा खाया लड़की की आबरू ही उसकी जिंदगी होती है बदनामी का जूता मेरे दामन पर लग चुका है उसे समुंदर की लहरों के सिवाय कोई नहीं धो सकता मुझे क्षमा करना तुम्हारी बहन अरे ये तो कोई औरत डूब रही है मालिनी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे आपके पास मालिनी का कोई फोटो तो होगा है लेकिन मैं अपने साथ नहीं लाई कोई बात नहीं भिजवा दीजिएगा हमें उसे ढूंढने में काफी मदद मिलेगी अब आप जा सकती हैं पता लगते ही आपको खबर कर दी जाएगी अच्छा जी हम
तो मालिनी घर छोड़कर भाग गई। नहीं बॉस, वो बहुत जज्बाती लड़की है, मुझे तो लगता है उसने जरूर खुदकशी कर ली होगी। मान सिंह, जज्बात इंसान को गुमराह कर देते हैं। मालिनी की याद तुम्हारा दिल का नासुर नहीं बनना चाहिए। हाँ, नहीं बॉस, मैं तो उसे कब का भूल चुका हूँ। गुड, वेरी गुड। मैं कपूर इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहता हूँ। अब शालिनी हमारा मोहरा होगी। भगवान मालिनी की आत्मा को शांति दे। शिवम, सुंदरी, सुंदरी, हमें यह सुनकर बहुत दुख प्राप्त हुआ कि तुम अपनी इस कंचन काया को समुद्र में समर्पण करने जा रही थी। और कोई रास्ता नहीं था गुरुदेव, मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रेमी ने धोखा दिया? हाँ महाराज। सुंदरी, लगता है कि तुमने कभी त्रिय शक्ति का प्रयोग नहीं किया। त्रिय शक्ति? ये क्या होती है महाराज? बहुत भोली हो सुंदरी, त्रिय शक्ति वो शक्ति है जिससे मेनका ने महर्षि विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। त्रिय शक्ति वो शक्ति है जिससे अनारकली जैसी भिखारन ने शहजादा सलीम तथा दिलीप कुमार को प्यार किया तो डरना कैसे खा दिया। परंतु महाराज, मुझे इस शक्ति का ज्ञान नहीं है। तो हम यहाँ किस लिए विराजमान? यही तो हमारे शासन का उद्देश्य है। तुम्हें इस शक्ति का ज्ञान और अभ्यास दोनों हम करवाएंगे। जमूरे मेरे मतलब कपूरे जी गुरुदेव, इस कंचन काया को हमारे बिल्कुल बगल वाले कमरे में विराजमान करवा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। वाम, इसे खुद प्रिय शक्ति का अभ्यास करवाने आया करेंगे। महाराज। सत्यम शिवम सुंदरम। बे अदब, बे मुलायजा होशियार, गुरुओं के गुरु यानी बांग्ला में गुरूर गुरु तशरीफ लाए। हाँ तो कहाँ है सब लोग? कल रात को आधी रात तक खाना लेकर बैठी रही, कहाँ रह गए थे? अरे मेरी टीए टीए सी बहन, मैं तेरे को क्या बोलूं? तेरे सुलेमान भाई की तो ये हालत है कि एक अनार और उसके आजू बाजू में सैकड़ों बीमार। मैं तो आज भी नहीं आ सकता था, वो तो राखी का दिन था इसलिए आ गया। चल धागा बांध के अपना रिश्ता और मजबूत कर दे। बहुत अच्छी राखी लगी। शाबाश, भगवान मेरी बहन को हमेशा खुश रखे और उसकी शादी जल्दी से हो और लड़का भी ऐसा मिले जैसे अमिताभ बच्चन जैसा हीरो उस टाइप का लड़का मिले। ये भाई की तरफ से बहन। कान के बूंदे बहुत खूबसूरत हैं। चलो ये अरे वो कहा मेरा चेहरा पहलवान? नौकरी पर गए। नौकरी पर गए कहा? चलो पहलवान, खाने की छुट्टी हो गई है, फिर जल्दी वापस आना है। अच्छा आपने हमें पुकारा? ये गाड़ी आप लोगों की है? नहीं, आपकी है। बैठिए।
मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो मुझे। क्यों इस बेचारी को पकड़ रहे हो? चल चल मोटे, अपना काम कर, निकल। काम करूं? अच्छा, छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए। चलिए। ये लीजिए, आज आपने मेरी इज्जत बचाई है। अपनी इज्जत की कीमत चुकाकर मुझे क्यों बेइज्जत कर रही हैं? मैम साहब, हम गांव वाले इज्जत को दौलत से नहीं तोलते। जाइए। फिर भी हाथ पांव तोड़वा के चलाए। बॉस, शट अप। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक आदमी ने हमारे 6 आदमियों का मुकाबला किया। जाओ जाओ, उसका पता लगाओ। ऐसे शेर दिल आदमी की हमें सख्त जरूरत है। यस बॉस। यस, क्या नाम है उसका? आई सी। अच्छा, उसे बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। अरे तुम नीचे काहे को बैठते हैं? ऊपर बैठना मानता है। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। कहा ना, ऊपर बैठो। क्या फर्क पड़ता है, यही ठीक है। अच्छा, चाय लो। हमारा नाम जूली है। बहुत अच्छा है। नाइस मीटिंग यू। ओ, मिम सब आ गया। ओ, तुम कैसे आए? जी आपका ये बटुआ। थैंक यू, बहुत ईमानदार हो। जरूर परेशान रहते होंगे। वैसे दिन भर में कितना कमा लेते हो? यही कोई 5-7 रुपए बन जाते हैं बस। अगर कोई अच्छी नौकरी मिले तो करोगे? जरूर करूंगा, मगर करना क्या होगा? क्यों कहा जाए, आओ मेरे साथ। आओ। चलो अंदर। बहुत सीधे हो, ये लो, पसीना पहुंचो। सिगरेट पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीता। अच्छा करते हो। कुर्ता उतारो। जी, कुर्ता? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। अच्छा जी।
अब बनियान भी उतारो। बनियान भी? हाँ हाँ बनियान भी। अच्छा जी। गुड, वेरी गुड। क्या फौलादी जिस्म है। लगता है लोहा कूट के सारे बदन में ढाल दिया है। अब धोती भी उतारो। धोती? ये कैसी नौकरी है? कुर्ता उतारो, बनियान उतारो, धोती उतारो, मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी। मैं जाता हूं। मेरे घर में मेरे इजाजत के बगैर ना ही कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। मैं कहती हूं धोती उतारो। अजीब मुसीबत है। सीधे खड़े रहो। अब मेरी तरफ देखो। भैया। राधा ये ले। क्या ये भैया? खोल के देखो। साड़ियां, पेटीकोट, ब्लाउज के कपड़े। और ये सुलेमान के लिए। अरे मुबारक हो मेरे चेले, मेरे पहलवान। ये क्या मेरे लिए लुंगी कुर्ता और बहन के लिए साड़ी ब्लाउज है? कि रास्ते में बटुआ मिल गया क्या? बटुआ नहीं गुरु, 500 रुपया एडवांस मिले हैं। 500 रुपया एडवांस? किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हो क्या? इंजन डायरेक्टर तो नहीं, मगर नौकरी बहुत अच्छी है। रहने के लिए बहुत बड़ा मकान मिला है। कल से हमें वही रहना होगा। वही रहना पड़ेगा? पहलवान ये नौकरी तुमको किसी छोकरी ने तो नहीं दी? हाँ लड़की है। तब तो उससे मिलना पड़ेगा। गुरु अगर आपको ये नौकरी पसंद नहीं तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अरे नहीं 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 पहलवान, ऐसा नहीं करना। ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है। नौकरी और नौकरी के साथ में छोकरी कभी मत छोड़ना। सुलेमान भैया आपको भी ये झोपड़ा छोड़ के हमारे साथ रहना होगा। बहुत बड़ा घर मिला है। झोपड़ा? अरे मेरी टुहिया सी बहन, तू आज इस झोपड़े को छोड़ के बहुत बड़े मकान में जा रही है ना, लेकिन तेरे सुलेमान भैया को झोपड़े में रहने की आदत है और दूर रहने से भाई बहन का रिश्ता नहीं टूटता। जब भी मुझे तेरी याद आएगी मैं भाग कर आऊंगा तुझसे मिलने के लिए। भैया मैं शालिनी बोल रही हूँ, मेरी बहन का कुछ पता चला? सॉरी मैडम, अब तक तो पता नहीं चला, लेकिन एक बात डेफिनेट है कि उन्होंने समंदर में कूद कर आत्महत्या नहीं की, वरना लाश अब तक कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती। तलाश जारी है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मालिनी मेरा दिल कहता है कि तूने आत्महत्या नहीं की, फिर तू कहां है? किस हालत में है मेरी बहन? तुम जानती हो तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? कल रात हम तुम्हारी कोठरी में पधारे और तुमने दरवाजा तक नहीं खोला। ऐसा सलूक हमसे आज तक इस आश्रम में किसी नारी ने नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं पहले ही बड़ी अभागन हूं। आपने मुझे शरण दी है, मेरी इज्जत ना लीजिए। तो फिर तुमसे क्या सलूक किया जाए? वही जो एक इज्जतदार आदमी को एक इज्जतदार औरत के साथ करना चाहिए। मान गए, तुम्हारे जैसी जुर्रत से बोलने वाली नारी हमें आज ही मिली। बोलो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या? बस एक ही, मैं अपने विश्वासघाती प्रेमी के खून से अपना हाथ धोना चाहती हूँ। आप सहायता कीजिए। जरूर सहायता करें, मगर हर सहायता की गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है और इज्जत तुम दोगी नहीं? इज्जत के सिवाय आप जो आज्ञा दें। तो फिर चोरी चकारी और पॉकेटमारी से इस आश्रम के लिए चंदा जमा करना।
मगर महाराज आप चाहते हैं कि मैं लोगों को लूटूं? अरे मूर्ख, तुम नहीं लूटोगी तो कोई और लूटेगा। लोगों की किस्मत में तो लूटना ही लिखा है। अमीर गरीबों को लूटते हैं, व्यापारी ग्राहकों को लूटते हैं और नेता जनता को लूटते हैं, तभी तो सबको लूटते हैं। कलयुग में यही होता रहा है और यही होता रहेगा। ज्यादा बहस मत करो, हमारे चरणों पर हाथ लगाते हुए हमारी आज्ञा का पालन करो। सत्यम शिवम सुंदर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग विलियम। मोहन को हम तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। इसके पास ताकत है और तुम्हारे पास कला। अगर तुमने सिंसियरली मेहनत की तो मुझे पूरा यकीन है कि ये एक दिन देश का सबसे बड़ा पहलवान बनेगा। अपने हाथों बहुत बड़े बड़े पट्टे बन गए ले मैम साहब, हम एक दिन इसको बहुत बड़ा पहलवान बनाएगा। यस आई नो। कौन उतारो, आओ मेरे साथ। बस 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 उस्ताद, बहुत हो गया, कुछ तो अपने हाथों का ख्याल करो। नहीं मुन्ना, अभी आओ। जय बजरंगबली, सच कहता हूँ पहलवान, एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे। अच्छा, इस गोकुल को भूल तो नहीं जाओगे? अबे मुन्ना, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। गुड मॉर्निंग साहब जी, नमस्ते, आदाबर। क्या कहा? सत्रीकाल 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 सत्रीकाल। ये सारा राशन मेरे लिए? राशन नहीं, राशन का दुकान। काय को हमारा सेठ बोला है पहलवान आने वाला है। गाना मल। मल 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 मल। ये नाश्ता है, नाश्ता। छोचे का बाप हूँ। क्यों गेंडा मल? नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। नाश्ता वगैरह किया नहीं? तबीयत से। ठाकुर साहब, आपने मुझे किस लिए याद किया? मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इनाम? ये लो 10,000 रुपया। 10,000? मगर ठाकुर साहब, काम क्या है? काम छोटा है, इनाम बड़ा। सुना है विलियम के अखाड़े में मोहन नाम का एक पहलवान तैयार हो रहा है और उससे लड़ने के लिए यानी कुश्ती तुम्हें बुलाया। ठाकुर साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो उसका काम तमाम करना तुम्हारा काम है, समझ गए ना? बिल्कुल अच्छी तरह से ठाकुर साहब, बिल्कुल अच्छी तरह से। नहीं, मैंने करूंगा।
दीजिए। नहीं डाली, आज मेरा मूड बहुत खराब है। ओफो, एक गेंदामल के हार जाने से आप भी हिम्मत हार बैठे? मैं हिम्मत कभी नहीं हारता डाली, लेकिन गेंदामल जैसे पहलवान को मात देने वाला आदमी मामूली आदमी नहीं हो सकता। ये आदमी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खामोश, मैं कोई दलील सुनना नहीं चाहता। ये टाइप किया हुआ अग्रीमेंट है, 15 दिन के अंदर शालिनी के दस्तखत इस पर होने चाहिए, वरना अंजाम तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। क्या बात है, क्या बात है? ये तो शालिनी की गाड़ी है, लगता है हमारा शिकार भी यहीं कहीं होगा। जल्दी आओ। गुंडे कहीं के। मोहन, मोहन, तुम्हारे सर से खून बह रहा है। मोहन, मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उपकार कैसा? मैं आपका नमक खाता हूं, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, मगर ये लोग थे कौन? मैं उनको तो नहीं जानती, लेकिन उनके सरदार मानसिंह को जानती हूं। वो आदमी नहीं, शैतान है, शैतान जिसने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया। बहन? छोटी बहन? मेरी छोटी बहन, जो इस कमीने से प्यार करती थी, मगर इसने उसे धोखा दिया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर छोड़कर भाग गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। लगता है उसने आत्महत्या कर ली।
झटके तो दिल खाए झटके। प्रेमी को कत्ल करने के लिए एक रिवॉल्वर की जरूरत है। हम अपने वादे का पालन जरूर करेंगे सुंदरी, मगर कत्ल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी तुम्हें ऐसी कार्रवाइयों का और अभ्यास करना होगा, और जब तुम इनमें पूर्ण हो जाओगी तो हम तुम्हारी रिवॉल्वर की इच्छा पूरी कर देंगे। धन्य हो महाराज। अब पाँव मत लागो, पाँव मत लागो। अरे पाँव तो सब लागती है, सीने से कोई नहीं लागती। सत्यम शिवम सुंदरम। यस, कौन? आरके स्टूडियो से बोल रहे हैं आप? क्या बात है जी? हाँ, ये सत्यम शिवम सुंदरम आपका कॉपीराइट है। अजय राइट आपका होगा, मगर कॉपी तो हम लिखा सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम इनका राइट है। मैं डाल नहीं सकती। तूने कितना कत्ल किया तो भी तय की जॉब में आप। अरे मारी डार्लिंग, सो एटलीस्ट मैंने सपना मा तो आवी ने मर। सो मारा मरण बात न मार मांगे। अरे जाते मारू साला, आई के कच्चा डब्बा समझे तो। ए बाबा, अपन फारसी लोग की बहुत इज्जत करता है, हम तुमको कचरे का डब्बा समझ के नहीं मारा। तुम जो रटता था ना ही, ही, तो हम तेरे को गढ़ेरा समझ के मारा, लेकिन तुम रट्टा क्यों है? करू नहीं तो क्यों करू? ते मने दोनों पति जमीन पर मुक्की नहीं दो। उते वक्त है सिरिन ने लपेटी ने सुई डालो। आय मारी सिरिन। ए बाबा, पाछा रहो। आयो जल्दी अपन आओ। आयो देखो। हाँ? हम तो मेरा नुकसान भर के देगा। कैसा? हम बताता है, जरा सिरिन की फोटो दिखाओ। हाँ? आ सोच तो लकड़ी जितनी दुबली है। हाँ? अभी ये पकड़ो। हाँ? हाँ? अनेक काम करो। हाँ? जरा मोड़ो खोलो। हाँ? आज के लोग मोड़ा मारो। आज ये छे ना। हाँ? ये जो गढ़ेला तुम्हारे सामने है ना। हाँ? जाते मारो साला बटमस, मारे मस्करी करे। ए पारसी बाबा, साला हम पारसी लोग की बहुत इज्जत करता है, और तुम हमारी जात के आगे। झुपट के रख डाला। तेल मालिश, जंपिंग, तेल मालिश। ए तेल मालिश, अबे लौंडे, इधर है, इधर है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मियां भाई है क्या? आप ही की बिरादरी का हूँ।
अरे तब फिर खड़ा ही बैठना। बोले साहब। क्या खाया? आप ही खाओ साहब। साहब, आप इधर कितने दिन से आया? यार अपने को हो गया कुछ छह साढ़े छह पौने सात दिन। आप बेचते क्या हो साहब? हींग, सुरमा, मूंगा वूंगा। अपन केले का मुरब्बा बनाते हैं। केले का? ये केला। और अखरोट का अचार बनाता है और अनार का अरग बनाता है। तेरा नाम क्या है? दिलशाद। नौशाद के जैसा लगता है। कहाँ का रहने वाला? होशंगाबाद का साहब। चल झूठा कहेगा। चला इतना खूबसूरत लौंडा है और बोलता होशंगाबाद का। अबे तू तो हुसनबाद का। हुसनबाद का कह को मजाक करता था। अरे ये तेरी पतली पतली लैला की तरह कलाई और ये कौली कौली भिंडी की तरह तेरी उंगलियां। दूर के जरा नजीक बैठ। तू इतना लंबे चौड़े आदमी की मालिश कैसे करेगा यार? अरे साहब आप मालिश करा के तो देखो, आपका अंजर पंजर ढीला नहीं कर दिया तो दिलशाद नाम बदल के नाम मुराद रख देना। देख यार, ये ढीला होने का चांस तो नहीं है, लेकिन अगर तू बोलता है हा? तो अपन कपड़े उतारता है मालिश। एक मिनट दिलशाद, एक बात बोलूं? हाँ साहब। जो आदमी दुनिया की मारता है, तूने उसका पर्स मारा? हाँ। ला मेरा पर्स वापस, और ये तेरा पर्स वापस। अरे ये तो वही आदमी है जो अपने को 1200 रुपए का चूना लगा के गया था। हाँ, चूने के साथ में कत्था भी लगाया था। ये पौने आठ। पौने आठ? 1200 में से ये पौने आठ रुपए रख लो। मेरे को मालूम है अभी तुम सब लोग मिलकर मेरे को मारेंगे। जरूर मारेंगे। और मैं यहाँ से भागूंगा तो मेरे पीछे भागकर मेरे को पकड़ेंगे। जरूर पकड़ेंगे। तो फिर एक काम करो, मैं तुम लोगों को आसान तरीका समझाता हूँ। मैं यहाँ से सीधा वहां तक भागने वाला हूँ, और जब मैं वहां पहुंचूंगा उसके पहले तुम लोग वहां पहुंच जाओ, और जैसे मैं वहां पहुंचा मुझे पकड़ लो। आइया चलो भाई लोग। ये ठीक है? नहीं, अभी मैं दाहिनी तरफ जाने वाला हूँ। अच्छा। अरे यहाँ तो ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, उसके बाद में बाएं तरफ। अबे ओए, कहाँ दाएं बाएं भटक रहे हो? वो तुम लोगों को पश्चिम बता के पूरा भाग गया। साला लाल टोपी, और तेरे को काली टोपी नहीं छोड़ेगी। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। कल्याण के बाद थाना मस्तु। श्याम सिंड्रोम कौन जानवर है? मैं आप ही की बिरादरी का हूँ। मेरा नाम सुलेमान है दुरात्मा जी। दुरात्मा नहीं, धर्मात्मा जी। अजी एक ही थाली के ये दो बैंगन है। क्या बकरा? मैं बकरा नहीं, आदमी हूँ। अबे आदमी नवाब होकर इसको हमारी सेवा में क्यों लाया गया? अरे ये आप ही की शरण में आना चाहता है, अपनी बिरादरी का ग्रुप। इसका प्रमाण सुंदरी। सारे पुलिस स्टेशन में अपराधियों की तस्वीर के साथ इसका भी थोबड़ा लटका हुआ है। हमारे यहाँ ब्योड़ा पीना मना है, और ये आदमी बहुत बड़ा ब्योड़े बाहर नजर आता है। क्षमा करना दुरात्मा जी। सत्यम शिवम सुंदरम, दुरात्मा नहीं धर्मात्मा जी। वही धर्मात्मा जी, क्षमा करना। मैं ब्योड़ा उस वक्त पीता हूँ जब मेरे को गांजा नहीं मिलता। सत्यम। और गांजा उस वक्त पीता हूँ जब मेरे को अफीम की गोली नहीं मिली। श्योम। और गोली मैं उस वक्त खाता हूँ जब मेरे को कैंपा कोला जैसी बोतल वाली कोई पुट्टी ना मिले। सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। हाय 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 हाय। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरी, ये आदमी बहुत भोला है, दिल का साफ और बदन का गंदा है। जी मैं जुम्मा को जुम्मा ना और दिमाग का मसला भी है, ये दिल बहलाता रहेगा। इसको तुम हमारे नजदीक 207 नंबर की कोठरी और अपने से दूर वहां डाल दो। हां जी। हां क्या गुरुदेव? गुरुदेव? गुरुदेव नहीं, गुरुदेव। वही? हां गुरुदेव। वही क्या मेरा मतलब? गुरुदेव। हां गुरुदेव। मैं आपके साथ नहीं रह सकता। क्यों?
क्योंकि मेरी एक छोटी बहन है जीनत रहमान। जीनत रहमान? हाँ, तो वो मेरे बिना घर में अकेली नहीं रह सकती। जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ मेरी बहन खाना नहीं खाती। खाना तो क्या, संडास तक नहीं जाती। प्राणी तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें इस बंदर नहीं डालेंगे, मगर तुम्हें इस धार्मिक क्लब की मेंबरशिप का 100 रुपया रोक देना होगा, समझ गए? समझ गया, धन्यवाद। शिवम क्या कहा डॉक्टर ने? तुम फिक्र मत करो राधा, जख्म बढ़ गया है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। भगवान करे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और सत्यानाश उन गुंडों का जिन्होंने तुम पर हमला किया। एक बार पूछू भैया? एक नहीं दो पूछो। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारी मालकिन स्मगलिंग का धंधा करती है? ये तुमसे किसने कहा? सुलेमान भैया ने। क्या वो यहाँ आए थे? आए थे और तुम्हारी मालकिन का पता लेकर उसे मिलने गए हैं। आज वो उसकी ऐसी खबर लेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले तुम कौन हो? मैं मोहन का दोस्त सुलेमान हूँ। अच्छा तो आप ही गुरु सुलेमान हैं? मोहन से आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। जूली जी, जूली साहब के लिए एक चाय ले आओ। अच्छा मिलते हैं। तशरीफ रखिए। आप तशरीफ नहीं रखेगी? हाँ हाँ हाँ, तो कहिए क्या कह रहे थे आप? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका कारोबार क्या है? मैं कपूर इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ और फौलाद सप्लाई करती हूँ। तभी आपको फौलादी आदमी पसंद है। बात दरअसल ये है कि कोई मिस्टर अमित चंद है जो मेरी फैक्ट्री बिना मेरी मर्जी के खरीदना चाहता है। पहले तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया, फिर फोन पर धमकियां दी, और अब मुझे किडनैप करके जबरदस्ती मुझसे दस्तखत करवाना चाहता है। पता बताइए उस उल्लू के पट्टे का पुराने लट्ठे का टुकड़ा ना बना दूं तो मेरा नाम गुरु सुलेमान नहीं। यही तो मुसीबत है, मुझे उसका पता ठिकाना नहीं मालूम। पता ठिकाना नहीं मालूम? आइडिया, वंडरफुल आइडिया। आप एक काम कीजिए, फौरन अखबार में छपवा दीजिए कि आपकी फैक्ट्री का ऑक्शन यानी कि नीलाम होने वाला है। नीलाम? हाँ, ये खबर पढ़कर वो उल्लू का पट्टा जरूर आएगा, और एक बार मैं उसका थोबड़ा देख लूं तो फिर आपकी तकलीफ खल्ला। बॉस, आज की ताजा खबर, शालिनी अपनी फैक्ट्री नीलाम कर रही है। शालिनी अपनी फैक्ट्री नीलाम कर रही है? क्या बक रहे हो? ये पढ़ लीजिए। हैं? इसमें कोई चाल तो नहीं है? कुछ भी हो, मैं ये फैक्ट्री जरूर खरीदूंगा। 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 1 लाख, 25 लाख, 2 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 1 लाख, 30 लाख, 2 लाख। वरी 3 बोलने से पहले 1 सेकंड ठेड़ो जी। अमरलाल पी छाबड़िया का ऑफर है 43 लाख 33 नया पैसा। 33 लाख, 1 लाख, 43 लाख, 2 लाख, 43 लाख, 3 लाख। सेठ जी, आज से कपूर इंडस्ट्री के मालिक आप हैं। वरी मैं अभी आपको क्या बोलू, थैंक यू बोलू या शुक्रिया? मुबारक हो सेठ जी, मुझे अमीर चंद कहते हैं। बड़ी मुझे अमरलाल पी छाबड़िया कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहीं देखा नहीं। बड़ी कैसे देखेगा, 8 दिन तो हुआ मेरे को भारत में आके। इससे पहले कहाँ रहते थे आप? अमेरिका के बगल में, कनाडा में। तो ये यहाँ फैक्ट्री वगैरह का काम कौन देखेगा? बड़ी आप जैसे 30-40 लौंडे जो मैंने पाल रखे हैं वो मेरे को कब काम आएंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब आप जैसे अकलमंद लौंडे। ठीक है। बड़ी गोल्डन, काम चालू कर दे बेटा।
हरलाल पीछा बढ़िया। बॉस। चंदन क्या खबर है? बॉस वो सिंधी काली टोपी वाला अपना कार्ड गिराकर मुझे चकमा दे गया। चकमा दे गया? हाँ बॉस, जब मैं इस पते पर पहुंचा तो मालूम पड़ा कि अमरलाल पी छाबड़िया के नाम का कोई आदमी वहां नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री की नीलामी शालनी की एक चाल थी और अमरलाल पी छाबड़िया उसी का आदमी है। चंदन। यस बॉस। शालनी के घर हर आने जाने वाले आदमी पर निगरानी रखो। यस बॉस। वड़ी मेरे गोल्डन के तो बड़े बड़े कारनामे है नहीं, किसी दिन फुर्सत में बैठकर आप लोगों को सुनाऊंगा ना। लेकिन आजकल मेरे गोल्डन में थोड़ी सी खोट आ गई है, बड़ा रोमांटिक होता जा रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि साला पिछले जन्म में पिक्चर लाइन में काम करता था। लेकिन आप हिल क्यों रहे हैं? वो तो मेरी समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मैं जब भी आपको देखता हूँ ऑटोमेटिक हिलना शुरू कर देता हूँ। गुरु चले। अरे वो देखो मेरा गोल्डन आ गया नी, वरी गोल्डन है। आ जा मेरे बेटे, आ जा मेरे लाल, आ जा। हैव यू फाउंड अ मिशन्स हाउस? देन टेक मी देयर। ओके फोकस एंड फॉक्सिस, सी यू। ना 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 ना। इनका ये कुत्ता बड़ा समझदार है। सुलेमान भाई के घर के सारे काम यही करता है। अच्छा। कमिंग कमिंग। अरे भाई आया, भाई आया। कौन है? ओ पोस्टमैन आओ, हमारा स्वीट हार्ट का चिट्ठी लाया। नहीं, हम तो बंगले के मालिक को मिलने को आया जी। मालिक से? ए पिंटो क्या है? ये आपसे मिलना चाहता है। अच्छा तुम जाओ। अच्छा क्या बात है? ये बंगले के मालिक को मिलने को मांगता है जी। मैं दीवान सिंह हूँ इस बंगले का मालिक, क्या काम है? माफ करना सियार जी, हम बदली वाला पोस्टमैन है। दिवाली थोड़ा बख्शिश जी। बख्शिश? ये लो। रंबो थैंक यू जी, थैंक यू। हम याना बड़ा चाट ले रखिया। ए कौन हो तुम? हम पोस्टमैन जी। तुमको यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? हम तुम्हारे वास्ते रजिस्टर लाया जी। रजिस्टर हो या वारंट, तुम यहाँ बैठे कैसे? हम इतना दूर से चल के आया जी, थक गया, सोफा देकर बैठ गया जी। ये कोई रेस्ट हाउस नहीं है, उठो और जाओ। ये उठने का बात अच्छा नहीं जी, जाने के बाद बाद में सोचेंगे। माय गॉड, अभी तक तो बैठा था, बाप का घर समझ के लेट रहा है क्या? यम्मा ना रंगा जी, ब्यूटीफुल है ना रुंडे कालेंगे। ये क्या बदतमीजी है? मोहन! मुर्गन! शट अप! ये क्या है? अब बोला शट अप! मोहन! मोहन! क्या बात है मैडम? देखो ये पागल कहीं से घुस आया है और कैसी बदतमीजी से पेश आ रहा है, इसे मार के बाहर निकालो। चल बे उठ यहां से। आप नहीं लगाना, हम सरकारी आदमी, तुम्हारा तरकारी बना देगा। तरकारी बना देगा? अम्मा तुम्हारा थोपड़ा तोड़ देगा। अरे गुरु सुलेमान। सुलेमान तुमने फिर हिलना शुरू कर दिया। मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। अभी मजाक छोड़ो, ये बताओ कि तुमने पोस्टमैन का लिबास क्यों पहना है? उस बदमाश का पता लगाने के लिए। कुछ पता लगा? दुकान का नहीं मकान का पता लगा, लेकिन वहां मकान में बजाय अमीचंद के दीवान सिंह रहता है। कहीं गोल्डन तुम्हें गलत मकान पर तो नहीं ले गया? गोल्डन मेरा कुत्ता है, इंसान नहीं जो गलती करे। गुरु कहीं ऐसा तो नहीं दीवान सिंह और अमीर चंद दोनों नाम एक इंसान के हों? करेक्ट,
ऐसा भी हो सकता है। यस गुरु। गुरुदेव की जय हो। कल्याण, आज की यात्रा कैसी रही? गुरुदेव ऐसी रही। ट्रांजिस्टर और इसके साथ ये भी। बटुआ, शाबाश, हम तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हें क्रिया शक्ति का पूरा ज्ञान हो गया। तो फिर गुरुदेव मुझे मेरा वरदान मिल ही जाना चाहिए। अब तो वरदान देना ही पड़ेगा सुंदरी। सत्यम शिवम गुरुदेव। ये लो। देख के नहीं चलते? मैं खासगार का माफी हूं। क्या? कुछ नहीं। अबे ओ तेल मालिश। क्या? ये फुलतुरु तो लेता जा। शुक्रिया। लाल मिर्ची है। क्या मैं आपके अंडरपुर में प्रवेश कर सकता हूँ? अंडरपुर नहीं, अंधेपुर। हम हमारा बता रहे अंतहापुर। वही अंतहापुर। ये क्या खा रहे हो? इसे बंबई की जबान में मूंगफली कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के जमाने में इसे बंदर लोग खाया करते थे। श्री राम के बंदर खाते थे तो हम क्यों नहीं खाएंगे? तो फिर मुंह खोलिए। खोला। अबे मुंह में मारो, तुम तो माथे में मार रहे हो। अरे मुंह फली तो मारी है, कोई पत्थर थोड़ी मारा है। फिर भी मैं माफी की गुस्ताखी। ओहो, माफी की गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी की माफी। ये रही आपकी टॉफी। ये क्या है? ये 100 रुपया आपका चंदा। लेकिन गुरुदेव। गुरुदेव नहीं, गुरुदेव। वही गुरुदेव। ये 100-100 रुपए देते हुए मुझे आपको बहुत शर्म आती है। मैं चाहता हूँ कि एक साथ में लंबा हाथ मार के आपको 3-4 लाख रुपया ला दे। सत्यम शिवम सुंदरम बेटा, 3-4 लाख क्यों, 30-40 लाख क्यों नहीं, कोई बैंक बैंक क्यों नहीं लूटते? लेकिन गुरुजी। गुरुजी नहीं, गुरुजी। हाँ वही गुरुजी। उसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए स्वाहा। तो बेटा हम यहाँ सहायता के लिए ही तो विराजमान है स्वाहा। अब हम आपको अपनी सहायता कहे या नहीं कहे? तुम वरदान मांगो। सिर्फ 4 रिवॉल्वर का सवाल है स्वाहा। तो हमारी तरफ से तथास्तु मिल जाएगा। गुरु जी की कल्याण। कल्याण। सत्यम शिवम सुंदरम। कुत्ते, आज तुझे जिंदा रखो। नौकर की बात कर रहे थे, कब आएगा वो? क्या बताऊं, लाला सेठ से कहा था कोई अच्छा सा लड़का भेज देना, मगर वो हरिद्वार चले गए हैं।
आज किसी दूसरे से बात करता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए किससे मिलना है? वो लाला सेठ है ना, लाला सेठ। हाँ हाँ। उन्होंने भेजा है मुझे घर में काम काज करने। राधा बात कर लो इससे। लाला जी ने भेजा है तुम्हें, किस्मत ले आई है जी। लाला जी का तो सिर्फ बहाना है। ऐसी क्या बात है, किस्मत तो इंसान की मेहनत से बनती बिगड़ती है। यहाँ दिल लगाकर काम करो, सब ठीक हो जाएगा। रहते कहाँ हो? घर तो किस्मत वालों को होता है बाबूजी। अपन तो सड़क पे, फुटपाथ पे, जहाँ जगह मिली सो गए। ओ, आज से यही रह लेना। मेहरबानी। मोहन बाबू, अभी अभी आपके यहाँ एक चोर घुसा है। चोर? आपको भूल हुई? भूल भूल नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे चोर पहलवान के घर में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कौन था भैया? कोई चोर बचकर निकल गया है, उसे ढूंढ रहे थे जी। काम क्या करना होगा? राधा इसे काम समझा दो, मैं चलता हूँ। क्या नाम है तेरा? नाम बालम। आओ मेरे साथ। क्या कहा? मानसिंह मर गए? कैसे? माली ने उसे अपनी गोली का निशाना बना दिया। माली जिंदा है? यस बॉस। हो, मालिनी का जिंदा रहना हमारे लिए बड़े खतरे की बात है। चंदन। यस बॉस। मानसिंह की लाश को ठिकाने लगा दो और मैं शालिनी को देखता हूं। बालम, तेरा जी तो लग गया है ना? हाँ, लग गया है। अरे क्या लड़कियों की तरह हाथ चला रहा है, जरा जोर लगा। लगाता हूँ। हाँ, लगा। अरे ऐसे नहीं, ठीक से जोर लगा। कौन हो तुम? एक बेसहारा लड़की। बेसहारा लड़की को ये धोखे का भेष बदलने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मर्द जात जानवर होती है, जानवरों से बचने के लिए मेरे पास भेष बदलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। धोखा खाया हुआ विश्वास मुश्किल से भरोसा करता है। मैं जैसी आई थी वैसे ही जा रही हूं, अपने घर की तलाशी ले लीजिए। मेरे घर के तो माफ करना राधा। बहन तुम अकेली कहां जाओगी? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इंसान भी तो भगवान का ही रूप होता है। मुझे जाने दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया है। नहीं, जानबूझकर कोई किसी को धोखा नहीं देता, सारा कसूर हालात का होता है। मोहन बाबू, ये घर पहले की तरह अब भी तुम्हारा है। गुरु सुलेमान। अरे क्या हुआ? वो जो लड़का था ना, वो लड़का नहीं निकला। तो फिर क्या, हिजड़ा निकला? नहीं नहीं, वो लड़की निकली। अच्छा, तब तो उस लौंडिया को तुमसे इश्क हो गया है, यानी कि प्यार। प्यार? हाँ, तुम्हें चले, उस लौंडिया को देख के तुम्हारे हृदय में यानी दिल में कुछ गुदगुदी होती है। गुदगुदी? गुदगुदी शर्मा नहीं, बोलो यार, होती तो बोलो। अच्छा, तब तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, फौरन प्रेम परीक्षा हो जानी चाहिए। वो कैसे करूं? मैं बता डाल। राधा, ए राधा, तो उन्हें बाजार भेजा है। ओ, कोई काम? देखिए ना, बटन नहीं है। मैं लगा
सुनते क्यों नहीं? ऐसे मालनी, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्यों शर्मिंदा करते हैं? इतना आराम तो किसी खास मेहमान को भी नहीं मिलता। सुलेमान का पहला नुस्खा तो यही था कि लड़की अगर बटन लगाते लगाते प्यार से सर सीने पे रख दे तो समझो प्यार की घंटी बजने लगती है। सुलेमान गुरु ने दूसरा सुलेमानी नुस्खा क्या बताया था? याद आया, जब कोई लड़की तोहफा कबूल कर ले तो समझो उसके दिल में प्यार की घंटी की बजाय घंटा बजने लगता है। सुनिए जी, क्या बात है? छोड़िए, फिर कभी कहूंगा। ओफ ओफ मोहन बाबू, आप तो तकल्लुफ की हद करते हैं। कहिए ना, क्या बात है? बात यह है, मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। तोहफा? तो ले दीजिए। ये ले। अरे तो अंगूठी है, बहुत खूबसूरत है। तीसरा नुस्खा, याद आया, लड़की के बालों में फूल लगाने से प्यार का नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है। मालनी, अब हम कोई तोहफा देना है? नहीं, एक और बात है। क्या डाली? मैं आपके बालों में फूल लगा देता हूँ। जरूर लगाइए। मोहन बाबू को क्या हो गया आज? उसके आगे क्या हुआ? छोड़िए गुरु, मुझे शर्म आती है। अरे काहे की शर्म यार, रोमांटिक बातें टॉनिक का काम करती हैं, और मैं तुम्हारा सिर्फ गुरु ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारा लंगोट, मेरा मतलब लंगोटिया यार भी हूँ। शर्मानी बोलो गुरु। वो बटन लगाते लगाते मैं मेरा सर, नहीं उसका सर, मेरे यहाँ रख दिया। अच्छा, जब मैंने तोहफा दिया तो शर्म से लाल हो गई। लेकिन शर्म के मारे तो तुम लाल हो रहे हो। अरे पहलवान, उसने तो अपने अरमान की सारंगी बजा दी। मैं बोलता हूँ तुम भी जल्दी से अपनी शहनाई बजा दो। ऐसा ही करूंगा गुरु, कल ही जाकर मालकन से शादी की इजाजत लेता हूँ। वेरी गुड, और ये सुनकर तुम्हारी मालकिन बहुत खुश होगी। हाँ, क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ हाँ कहो। बात ये है कि वो उस पर शर्माने की क्या बात है? मैं शादी करना चाहता हूँ। मोहन, अपनी ख्वाहिश का इजहार करके तुमने मुझे महान बना दिया। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है। आप उसे जानती हैं? मुझसे ज्यादा उसे कौन जानेगा। अच्छा, आपको वो पसंद है? बहुत पसंद है। उसका नाम मैडम नहीं, शालिनी होगा। चाहे नजर आए नगी।
की फोटो है। हाँ, इनके बड़े उपकार है मुझ पर, लेकिन लेकिन क्या? इन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया है। एक ऐसी बात कह दी जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो क्या? ये मुझसे प्यार करती है। प्यार? हाँ मालिनी, ये मुझसे शादी करना चाहती है। शादी? मगर तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें हाथ पैर जोड़कर बना लूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। मोहन बाबू, हेलो। हाँ, कौन? दीवान सिंह। हाँ, मैं धर्मात्मा बोल रहा हूँ। बोलो, क्या कहा? एक महीने के बाद 10 साल की किस्त एडवांस में दे दोगे? अरे भाई, ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ? अच्छा, क्या कैसे संभव नहीं हो सकता? बहुत जल्दी मैं कपूर इंडस्ट्री का मालिक बनने वाला हूँ। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। अरे हाँ सुनो, मुझे 3-4 मोमबत्ती की परम आवश्यकता है। जरा जल्दी फिर देना, वरना मेरे 30-40 लाख के योजना पर पानी फिर जाएगा। कमिंग कमिंग कमिंग। कौन है भाई? पोस्टमैन है। तू हमारा मालिक से मिलने आया? नहीं जी, हम तुम्हारा मालिक को मिलने के वास्ते नहीं आया जी, हम तुम्हारे वास्ते लव लेटर लाए जी। लव लेटर? थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू नहीं, बगैर स्टैंप का लेटर है 50 नया पैसा ला के देना पड़ेगा। ओ, तुम यही ठहरो, हम अभी आता है। परवा नहीं, परवा नहीं। कभी इंसान की आंखें धोखा खा जाती हैं चंदन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी तुम चकमा खाकर आ रहे हो? नहीं बॉस, मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया। ठीक है, हम खुद इस बात का पता लगा लेंगे। आपका नाम? जी मेरा आप अपना नाम भी भूल गए माली देवी, माफ कीजिए, हम आपको मानसिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए। हियर इज योर अरेस्ट वारंट, कॉन्स्टेबल गिरफ्तार कर लो। दादा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दीदी प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी दीदी को कहाँ ले जा रहे हैं? इस वक्त मेरे भैया भी घर में नहीं हैं। छोड़ दीजिए ना मेरी दीदी को। आपके दीदी को छोड़ना ना छोड़ना कानून के हाथ में है। फिलहाल हम आपके दीदी को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। सॉरी। दरअसल इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। कभी कभी हम एक दूसरे को समझने में गलती कर बैठते हैं। आज तुम्हें क्या हो गया है मोहन? जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो ना। जी मैं कह रहा था, देखिए ना, मेरे यहाँ जो लड़का काम कर रहा था वो लड़की निकली। लड़की निकली? जी। कौन है वो लड़की? है किस्मत की माली, बेचारी बेसहारा है, मैंने उसे सहारा दिया है। भैया, क्या बात है दादा? भैया, किसी मानसिंह के कत्ल के जुर्म में पुलिस मालिनी दीदी को पकड़ कर ले गई। क्या कहा? पुलिस मालिनी को पकड़ कर ले गई? हेलो, कौन? अमित चंद? हाँ, मैं अमित चंद बोल रहा हूँ। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी बहन पुलिस स्टेशन में नहीं, हमारे कब्जे में। और अगर तुम्हें अपनी बहन चाहिए तो अभी इसी वक्त पुर्तगाली खंडर में अकेली आ जाओ। और सुनो, अगर पुलिस या किसी की मदद लेने की कोशिश की तो मालनी की बजाय उसकी लाश तुम्हें मिलेगी। मोहन, मालिनी को पुलिस नहीं अमरचंद पकड़ कर ले गया है। वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसे छुड़ाने के लिए जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं मोहन, मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा, वरना वो मेरी बहन को जान से मार डालेंगे। मार डालेंगे? भैया, अब क्या होगा? फिक्र मत करो राधा, गुरु सुलेमान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। खोल दो इनकी पट्टी। मालिनी कहाँ है? इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। आओ मिल लो। मालिनी,
दीदी मालिनी दीदी छोड़ दो इसे। हम तो इन्हें छोड़ देंगे लेकिन पुलिस इन्हें नहीं छोड़ेगी। इन्होंने हमारे साथी मान सिंह का खून कर दिया। मान सिंह का खून किया? हाँ दीदी मैंने अपना बदला ले लिया। ठीक किया। अमित चंद कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आपके सामने खड़ा है। मुझे ही अमीर चंद कहते हैं। ओह, तो तुम ही अमीर चंद हो? क्या कीमत लोगे अपने कुत्ते की जान की? शट अप। मानसिंह कुत्ता नहीं, हमारा साथी था। उसकी जान की कीमत हम खुद वसूल कर लेंगे। बांधो इसे भी। हाय हाय बधाई हो बधाई हो। लल्ला के पापा को बधाई हो। आगे ओ सुल्ताना जरा इधर आना। गे आगे मैं बोल। ओ रे आना जरा जलवा दिखाना। गे आगे ओ भावना। अरे देखते क्या गे जरा झलक दिखाना। गे हाय हाय आज हम खूब गाएंगे नाचेंगे धूम मचाएंगे। हाँ ग्राहक बहुत अच्छा है भाई। शबाना कोपरे से निकल के बाहर आना। गया आगे बिमला देखती क्या गया ढोलक बजा। अरे ओ चंपा बाजे में से खींच खींच के सुर निकालना। गया जरा बराबर सुल मिलाना। गया कैसे बजाते गए बराबर सुल मिला। सोने और चांदी के तार जड़ा दे मेरे लहंगे में ओ सरदार। सोने और चांदी के तार जड़ा दे मेरे लहंगे में ओ सरदार। जड़ा दे मेरे हाय हाय जड़ा दे मेरे लहंगे में ओ सरकार। जड़ा दे मेरे लहंगे में ओ सरकार। सोने और चांदी के तार जड़ा दे मेरे लहंगे में ओ सरकार। जरूर कोई बात है। हाँ आगे पहली मुलाकात है। हाँ ये सब क्या है? आगे बंद करो ये। आगे आज के बच्चे आगे जाओ यहाँ से। आगे आगे बिमला ये माटी मेला जाने को बोलता है जाए यहाँ से। नागे जब तक रहे गंगा जमुना में पानी। जब तक रहे गंगा जमुना में पानी। तब तक रहे राजा तेरी बता करा है गंगा जमुना में पानी। बता करा है गंगा जमुना में पानी। आया बता करा है राजा तेरी निशानी। बता करा है राजा तेरी निशानी। चंदा सा चमके फूलों सा गमके आंगन में छमके स्वाती में ठमके। जड़ा दे मेरे हाय हाय जड़ा दे रे।
मिले ये हमारे पेट के अंदर क्या डाल दिया, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा बड़ा। पिंटो। यस बॉस। ये गुल छड़ी और लाल छड़ी को गोदाम में बंद करा दो और बाकी कचरा पट्टी बाहर फेंकवा दो। ओके बॉस। मैं के अपन गोदाम तक तो पहुंच गए चेले, अब क्या होगा गुरु? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये है तुम्हारी फैक्ट्री बेचने के कागजात, बस इस पर दस्तखत कर दो, हम तुम दोनों को आजाद कर देते हैं। बस यही कीमत है हमारे मानसिंह के जान लेने की। नहीं दीदी नहीं, प्लीज नहीं, तुम इस पर साइन मत करना, चाहे भले मुझे फांसी हो जाए, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर फैक्ट्री नहीं बेचने दूंगी। नहीं मालिनी, फैक्ट्री तुझसे बढ़कर नहीं है, मैं फैक्ट्री के लिए तुझे नहीं खो सकती। वेरी गुड, खोल दो हाथ। अरे चेले देखता क्या है, जय बजरंग बली बोल। जय बजरंग बली। उम्मीद है हम दोनों का ये बिजनेस मान सिंह की हत्या की तरह राज बना रहेगा, बांधो इनके हाथ। आज से कपूर इंडस्ट्री का मालिक मैं हूं, मैं। थैंक यू बापू, थैंक यू।
मालिनी। मोहन जल्दी डॉक्टर को बुला। अच्छा। नहीं मोहन, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा लेंगे ना? हाँ। ये है वो तोहफा। मालिनी, मालिनी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हटने की कोशिश न करे। कमिश्नर साहब, ये रहा आपका मुजरिम अमित चंद उर्फ दीवान सिंह, जिसकी आपको तलाश थी। अरेस्ट करो इसको। मिस्टर सुलेमान, आपने इस खतरनाक गैर कानूनी अड्डे को पकड़ाकर सीबीआई का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। थैंक यू। गुरु, आप सीबीआई के? मेरे यार, सभी गुरु अपने चेले से एक दांव छुपा के रखते हैं। कमिश्नर साहब, इस केस में मेरे दोस्त पहलवान ने मेरी बहुत मदद की है। वेरी गुड मिस्टर सुलेमान, आपकी सूचना के मुताबिक और सभी मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। ले जाओ इसको। परमात्मा जी, और तुम लोग क्या? परमात्मा जी परमात्मा में लीन है, हवा लाभ की हवा खाकर गमगीन है। इनकी शांति भंग मत कीजिए, वरना परलोकवासी हो जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। लीना हो न लीना, अंगूठी में जड़ा लेके जब जिया चाहे।